हम खड़े हैं सीधी जिला चिकित्सालय के मुख्य परिसर में, जहां सीधी में ऑक्सीजन प्लांट लागे के बाद सामने आई रही है। 25 जून तक यह ऑक्सीजन प्लांट जिला चिकित्सालय का बकायदा सौगात के रूप में मिले वाला रहा। और हालात ये कि यह तीसर लहर मुंह उबाए ठाढ़ी जीका वायरस आएगा, डेल्टा वेरिएंट आएगा, और हालात ये कि कप्पा वेरिएंट तक आएगा, किंतु सीधी के हाल जस के तस है। स्थिति में कौनो बदलाव नहीं है। यह खोखला दावा उबादा के चलते सीधी के जान खतरा में ही। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी। शुरुआत करी थी ये ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के, जहां लोगन के साथ कितना बड़ा छल छद्रम हो रहा है वह हम सब कुछ दिखाऊ। हमारे पीछे ये अपना छोट का पिलर और पीछे एक छोट का ऐसे फर्श दिखात हुई। ये वह जगह है जहाँ सीधी के गेल इंडिया के द्वारा 25 जून तक ऑक्सीजन प्लांट लगाए दिए कर रहा, किंतु हालात यह कि यह प्लांट केवल और केवल अबे तक कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना ऐसे हम कहे कि जो एमा स्थिति है वह हम अपना का ग्राउंड जीरो से दिखाई लाए, और कोशिश यह करब, प्रयास यह करब कि अपना समझ पाई कि सीधी के जनप्रतिनिधि और वो अधिकारी सीधी वाले इनका जिला वासिन का कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। हालात यह कि दूसर लहर में हम पते दिखें कि ऑक्सीजन की किल्लत के चलते लोगन की कितनी जान चली गए। यह देखी लागे यही हुआ ऑक्सीजन प्लांट लागी, जौने के सहारे से पूरे जिला चिकित्सालय के ऑक्सीजन के कमी का दूर की गई। किंतु सवाल यह कि यह कई एक महीना से लगातार कहा यह गया कि 25 जून तक यह प्लांट लग जाए और जिला चिकित्सालय का ऑक्सीजन प्लांट के सौगात मिली, किंतु यह केवल और केवल एक झूठी और कोरी कल्पना है। अबे तक कौनों में के फाउंडेशन के अलावा, मतलब हालात यह कि पिलर तक खड़े नहीं आए। हमारे पास अपना देख ली, केवल फाउंडेशन बना है, फर्श बना है, उसके अलावा पिलर तक अभी तैयार नहीं है ही, न उसके ऊपर कौनो छाया है, न शेड है। हालात यह कि करोड़न के मशीनरी, लाखन के मशीनरी खुले आसमान के नीचे ऐसे परी लागी। हम वह मशीनरी दिखाऊ अपना का जो यह ऑक्सीजन प्लांट के रूप में आवा है, किंतु अभी तक स्थापित नहीं हो पावा है। और जौने से सीधे तौर पर समझी कि आम जनता के यह खुले आम एक कोरी कल्पना, कोरी सौगात दिखाए के लूटे के प्रयास की जाला है, उनका भ्रमित करे के प्रयास की जाला है। यह देखी हम कहा कैमरामैन से क्यों दिखा मैं कि यह जो है गैस्टिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, मोदी टावर, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली के, यह मतलब यहाँ भेजा गया है। और यह रिसीव जो है कब किन गया है, 2021 में ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। अपना समझ ली कि इन प्लांट के सहारे सीधी के लोगन का प्राण वायु दिन जाई, प्राण वायु के साथ साथ सोची कि दूसरे लहर माँ हम पचे दिखे हैं कि का हालात भे। सीधी माँ लोग कांधा में सिलेंडर लेके अपने प्री के जान बचावे माँ दर दर के भटके का मजबूर रहे, किंतु आज हालात या कि सीधी माँ दुई ऑक्सीजन प्लांट लगे वाले हैं। एक तो अपना कि यह जो गेल इंडिया के द्वारा लगा बजाला है, और दूसर है NHI के द्वारा जो है प्लांट जो अपना का वहू को हम दिखाऊ। किंतु पहले यह जान ली कि जो प्लांट यह हमारे सामने दिखा लाग है, यह प्लांट 25 जून का सीधी में स्थापित हो जाए कर रहा। खूब पेपर मीडिया में निकलवावा गा कि 25 जून तक यह सीधी जिला का बेहद बड़ी सौगात मिली, किंतु सौगात के नाम पर सीधे कोरी कल्पना दिखाई जा लागी। और हालात यह कि यह कैसे छल छद्रम की जाल लाग है आम आदमी से, अपने जनता से, जिनके द्वारा आज बड़े बड़े कहा जाए कि नेता मंत्री बने हैं, और आज सोचे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी का सौगात दीन, किंतु हालात की यह सौगात खुद धक्के खाए रही है, खुद लाचार है, बेवस है। और हालात यह कि मान ली तीसर लहर दो चार दस दिन में आई जाती तो सीधी माँ अपना ऑक्सीजन प्लांट यह जान ली कि नहीं आए, अबे तक कौनो व्यवस्था नहीं आए। हालात यदि है में रही तो फिर से वह दौर माँ अपना का कांधा माँ ऑक्सीजन सिलेंडर, और जो में बीते दिना ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत भय, और जो ने दौर से सीधी गुजरा वह दौर से फिर गुजर सका थे। काहे कि सीधी के नेता सोए रहे हैं, जनप्रतिनिधि सोए रहे हैं, अधिकारी सोए रहे हैं, उनका मतलब नहीं आए कि सीधी वासिन के जान माँ जान माल के रक्षा करे का है या ओका लुटावे का है। काहे कि सीधे तौर पर यह ऑक्सीजन प्लांट के स्ट्रक्चर अपना देख सकी थे कि यह लागत है कि का ना कौन अब सेट लगाए ना कुछ लगाए। जो बतावा जाल लागे अधिकारी के द्वारा कि यह जगह पर मशीनरी आई गई ही, किंतु अभी कुछ पार्ट नहीं आवा है। सवाल यह रहा कि जब 25 जून तक यह कहा गया कि यह लग जाए, तो आज जो है 12 जुलाई है,
12 जुलाई होएगा 25 जून से, अबे तक मशीन वह स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंची, तो हम कैसा मान लें कि यह तीसर लहर के तैयारी सीधी के द्वारा पूर्ण की गई। अब सवाल यह है कि जल्द से जल्द ये ऑक्सीजन प्लांटन का लगवाबा जाए, नहीं यदि सीधी में तीसर लहर आई तो शायद अब हालात बेकाबू हो सका थे। तो चलिए हम दिखाई थे अपना काम, दूसर प्लांट जो NHI के द्वारा लगवाबा जा लगे। यह दूसर प्लांट NHI के ओर से ऑक्सीजन के सीधी में लग रहा है। हालात यह कि सीधी माँ तीसर लहर के प्रति जिला प्रशासन गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं आई। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह कहा गया है कि जीका वायरस और कोरोना वायरस और जो डेल्टा वेरिएंट से सबसे लड़े खेती अब सब जिलन का आत्मनिर्भर बना बजा रहा है, किंतु हमारे पीछे यह फाउंडेशन बनल लाग है जेका अपना देखी लाग है। फाउंडेशन माँ अभी कुछ कंप्लीट नहीं आए, पूर्ण नहीं आए। हालांकि यह दूसर ऑक्सीजन प्लांट है और यह दूसर ऑक्सीजन प्लांट के बारे में हम कोशिश करब कि इतने कुछ लोग रहें जिनसे हम जानकारी लेकर प्रयास करब कि आखिर यह कब से चालू भा है, को बनवावल लाग है, के है एकर देख रेख करे वाला, का नाम है तो हा? रामराज। यह कब से काम कर रहे हैं? हम तो 7-2 दिन रोज हो गया हमका। तो उससे पहले तो बना रहा हुई कुछ? हाँ, फाउंडेशन निकला रहा लोग। को है इतने देख रेख करे वाला को है? तो हम कोशिश करी थे जे इतने देख रेख कर लागे कि यह के जिम्मेदारी के प्लांट आए हुए थे। इतने छोट का यह किचन है जहाँ ये खाना पीना बन रहा है। तो कहाँ है हूँ भैया? भैया है ना, हम कोशिश करी थे कि उनसे बातचीत करी ये पूरे कि यह ऑक्सीजन प्लांट जो बन रहा है कि यह कैसा बन रहा है, कब से बन रहा है और एकर का है, का नाम है अपना के? प्रदीप मिश्रा। यह बताइए अपना इतने ये ऑक्सीजन प्लांट बनवाई लागे। हाँ। जिला चिकित्सालय सीधी में। हाँ। का तय समय सीमा ही एकर का है और कब से एक बनवाओ शुरू करे हैं अपना? यह 25 तारीख से शुरू है। 25 जून से? 25 जून से। हाँ। एकर सर बताएंगे कि कब तक इसका समय। हाँ। बनने का प्लांट आ चुका है या फिर अपना फाउंडेशन भर बना? अभी नहीं आया। हाँ। अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा। हाँ। ऑक्सीजन वाली जो मशीन उसीन है तो वो आ गई? ये अभी दीवार के जुड़ाई हो रही है। हाँ। एक हफ्ते बाद आएगा। अच्छा, मशीन है। जैसे दीवार कंप्लीट हो जाएगी। हाँ। मशीन आएगी। अच्छा, ये को कहाँ से लग रहा है ये प्लांट कुछ के बारे में? NHI विभाग बनवा रही है। अच्छा, तो एकर को देख रेख कह रहा है? ये वही इंजीनियर लोग हैं। कौन नाम है इंजीनियर के? एक नीरज वर्मा सर हैं। हाँ। और ललित चौधरी सर हैं और राजू जयसवाल। अच्छा। तीन लोग हैं जो ये सब देख ताकि रहे हैं। हाँ। काम धाम जी निश्चित तौर पर अपना के द्वारा मिसाइज के द्वारा बतावा गया कि ये जो है दूसर प्लांट है जो NHI के द्वारा जो है बनवावा जा लाग है। 25 जून से शुरू भा है और आगामी दिनन में एमा प्लांट लागी, किंतु सवाल सबसे बड़ा कि तीसर लहर आखिर कहाँ है सीधी के ऑक्सीजन प्लांट और जिला प्रशासन की या आखिर रवैया से का आम लोगन की जिंदगी सुरक्षित थी कि नहीं। कहे कि 25 जून तक ऑक्सीजन प्लांट के बाद सीधी का कही गई रही, किंतु सीधी माँ एकोठे भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं शुरू भे, जबकि साउथ माँ सीमावर्ती जिलन की यदि बात की जाए तो मैहर में शुरू हो चुका है, रीवा में शुरू हो चुका है और अन्य जगह शुरू हो चुका है, किंतु सीधी का तीसर लहर संभाले के जवाबदारी और जिम्मेदारी जिला प्रशासन लेकर तयार है कि नहीं, वह देखब दिलचस्प हुई। कहे कि जो में हालात है ऑक्सीजन के दूसरे लहर में किल्लत से हम दिखे हैं कि कई लोगन के जान चली गई ही, हालात यहाँ तक रहे कि लोग कांधा में ला दिला दिए ऑक्सीजन सिलेंडर अपने मरीजन के जान बचावे खितिर बागर रहे, तो का वह दौर माँ सीधी जिला का एक बार फिर से झोंका जाल लागे। कहे कि तय समय सीमा में कौनो ऑक्सीजन प्लांट अब सीधी के चालू नहीं भे आही। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।